भागलपुर लोकसभा सीट से इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल के शैलेश कुमार और बुलो मंडल सांसद हैं। उनकी ये जीत इसलिए खास थी क्योंकि साल 2014 के चुनाव में उन्होंने भाजपा के लोकप्रिय नेता सैयद शाहनवाज हुसैन को यहां से रोमांचक मुकाबले में हराया था। बिहार की सियासत में अहम स्थान रखने वाला भागलपुर राज्य के प्राचीन शहरों में से एक है। पुराणों में और महाभारत में इस क्षेत्र को अंग प्रदेश का हिस्सा माना गया है। भागलपुर सिल्क के व्यापार के लिए विश्वविख्यात है। तसर सिल्क का उत्पादन यहाँ के कई परिवारों के आय का साधन है। तो वहीं पिछले दिनों ये दंगों की वजह से सुर्खियों में रहा। साल 1957 में यहाँ पहली बार आम चुनाव हुए थे जिसे कि कांग्रेस ने जीता था। इसके बाद 1962, 1967, 1971 में यहाँ कांग्रेस का ही बोलबाला रहा और भगवत झा आजाद यहाँ के सांसद रहे। आपको इस क्षेत्र के चुनावी इतिहास के बारे में बताते हैं। 1957 बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1962 भागवत झा आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1967 भागवत झा आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1971 भागवत झा आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1977 रामजी सिंह जनता पार्टी। 1980 भागवत झा आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1984 भागवत झा आजाद इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1989 चुनचुन प्रसाद यादव जनता दल। 1991 चुनचुन प्रसाद यादव जनता दल। 1996 चुनचुन प्रसाद यादव जनता दल। 1998 प्रभास चंद्र तिवारी भारतीय जनता पार्टी। 1999 सुबोध राय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। 2004 सुशील कुमार मोदी भारतीय जनता पार्टी। 2006 सैयद शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शन। 2009 सैयद शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी। 2014 शैलेश कुमार मंडल राष्ट्रीय जनता दल। साल 2006 में यहां उपचुनाव हुआ जिसमें भाजपा के दिग्गज नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बड़ी जीत हासिल की। साल 2009 के चुनाव में भी सैयद शाहनवाज हुसैन ही यहां के सरताज बने, लेकिन साल 2014 के चुनाव में उन्हें राजद के हाथों यहां करारी हार मिली। उनकी हार इसलिए बड़ी थी क्योंकि देश में तब मोदी लहर थी और सैयद शाहनवाज हुसैन खुद राष्ट्रीय स्तर के लोकप्रिय नेता हैं। ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काम करने का दावा करने वाले शैलेश कुमार की पिछले 5 सालों के दौरान लोकसभा में उपस्थिति 77% रही है और इस दौरान उन्होंने 50 डिबेट में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने 59 प्रश्न पूछे। आपको बता दें कि ये रिकॉर्ड 2018 तक का है। साल 2014 के चुनाव में इस सीट पर नंबर 2 पर भाजपा, नंबर 3 पर जदयू और नंबर 4 पर आईएनडी थी। उस साल यहां मतदाताओं की संख्या 16,85,339 थी जिसमें केवल 9,74,016 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इनमें पुरुषों की संख्या 5,22,657 और महिलाओं की संख्या 4,51,359 थी। आपको बता दें कि भागलपुर की 81% आबादी हिंदुओं की है और 17% मुस्लिमों की। बहरहाल इस बार चुनाव में भाजपा जदयू एक साथ है जिसकी वजह से यहां सियासी हालात बदल गए हैं। जहां एनडीए की पूरी कोशिश इस सीट पर हार का बदला लेने की है तो वहीं दूसरी ओर राजद इस सीट को दोबारा जीतने के लिए अपना एड़ी चोटी का दम लगाएगा, लेकिन जीतेगा वही जिसे जनता का साथ और प्यार मिलेगा। अब वो किसके साथ है इसका पता तो हमें चुनावी परिणाम ही बताएंगे, लेकिन इतना तय है कि इस बार का चुनाव इस सीट पर किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा।
आगे भी बिहार की लोकसभा सीटों का इतिहास जानने के लिए लाइव सिटीज को जरूर सब्सक्राइब करें।